पहले कभी दिखे नहीं? दिखे होते तो तू नहीं दिखता। तो दोस्तों, जहां पिछले साल बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक फ्लॉप और डिजास्टर होती जा रही थी, लेकिन सुपरस्टार अजय देवगन ने 2022 में दृश्यम 2 जैसी एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉलीवुड के खाते में दे दी थी। और 2023 यानी कि इस साल भी पठान के बाद बॉलीवुड की कोई भी फिल्म अभी तक क्लीन हिट नहीं हुई, लेकिन फिर से बॉलीवुड को बचाने आ रहे हैं बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन, क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म भोला, जिसकी एडवांस बुकिंग बस अभी शुरू ही हुई है, और फिल्म को एडवांस बुकिंग में जो रिस्पॉन्स मिला है उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि भोला फिल्म भी दृश्यम 2 की ही तरह बॉक्स ऑफिस पर एक मेगा ब्लॉकबस्टर होने को तैयार है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भोला फिल्म के बजट और एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे फिल्म ने कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि सुपरस्टार अजय देवगन की भोला फिल्म को आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे या नहीं। दोस्तों, आज के समय में बॉलीवुड की ऑडियंस जब भी किसी फिल्म का पोस्टर या टीजर आता है तभी डिसाइड कर लेती है कि उनको यह फिल्म सिनेमा घरों में देखना है या नहीं। लेकिन दोस्तों, यहां पर भोला फिल्म के जब कुछ पोस्टर रिलीज किए थे तो पोस्टर इतने धमाकेदार थे कि पोस्टर देखने के बाद ही ऑडियंस के मन में भोला फिल्म के लिए जो एक्साइटमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही सुपरस्टार मास महाराजा अजय देवगन ने भोला फिल्म का टीजर रिलीज किया और टीजर इतना भयंकर था कि टीजर ने ही फिल्म का जो बज है वो नेक्स्ट लेवल बना दिया था, और टीजर देखने के बाद तो सभी लोगों ने ठान लिया था कि भैया ये फिल्म तो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों में देखना है। लेकिन दोस्तों, टीजर के बाद ट्रेलर आया, वो भी सुपर डुपर हिट हो गया, फिल्म के कुछ गाने आए वो भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए, यानी कि भोला फिल्म को लेकर अभी तक जितना भी प्रमोशन मटेरियल सामने आया है वो सभी लोगों को पसंद आ चुका है, जिसके चलते ही फिल्म से अब बॉक्स ऑफिस पर जो उम्मीद है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वैसे भी दोस्तों, यहां पर भोला फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन और तब्बू की सुपरहिट जोड़ी फिर से देखने को मिलेगी, तो सबको पता है कि भैया ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा कयामत वाला दिन लाएगी। अगर दोस्तों बात करें यहां पर भोला के एडवांस बुकिंग के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी फिल्म भोला, जिस फिल्म की एडवांस बुकिंग कल शाम से शुरू हुई थी, और एडवांस बुकिंग को शुरू हुए अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ, लेकिन फिल्म ने सिर्फ एक दिन के अंदर जो एडवांस बुकिंग की है वो पूरी तरह से कमाल की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म को रिलीज होने में अभी भी 9 दिन का समय बाकी है, लेकिन लोग अभी से ही फिल्म की जो एडवांस टिकट है वो बुक करने में लग चुके हैं। हालांकि आपको यह बता दें कि भोला की जो एडवांस बुकिंग है वो 3D, 4D और IMAX यानी कि मेन वर्जन में शुरू की गई है। ज्यादातर सिनेमा घरों में 2D चलता है और उसकी एडवांस बुकिंग शायद आने वाले कुछ दिनों में शुरू कर दी जाएगी। लेकिन बात करें कि भोला फिल्म ने अभी तक एडवांस बुकिंग से टोटल कितनी कमाई की, तो दोस्तों यहां पर अजय देवगन की भोला फिल्म की IMAX 3D वर्जन से एडवांस बुकिंग हो चुकी है 18,50,000 की। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म की जो IMAX 4D की एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है 7,20,000 की। इसी के साथ दोस्तों, भोला के सभी फॉर्मेट्स में जो ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है 25,70,000 रुपए की। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को रिलीज होने में अभी भी 9 दिन का समय बाकी और फिल्म ने अभी से ही 25,70,000 की शानदार एडवांस बुकिंग कमाई कर ली है। एक बार फिल्म की 2D वर्जन की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद तो ये फिल्म पूरी तरह से फाड़ देगी। तो दोस्तों, अभी तक जिस तरह फिल्म को एडवांस बुकिंग में रिस्पॉन्स मिला है उसे देखकर लग रहा है कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मिनिमम 15 करोड़ की ओपनिंग लेगी। हालांकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे फिल्म की एडवांस बुकिंग में उतार चढ़ाव आएंगे, वैसे वैसे मैं इस फिल्म के जो फर्स्ट डे प्रेडिक्शन है वो आपको ऊपर नीचे करके बताता रहूंगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है भोला फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि AKB मीडिया पर भोला के डेली एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।